अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष नीता अंबानी ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नीता अंबानी के निमंत्रण पर नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, पीआर श्रीजेश, सुहास यथिराज समेत 140 एथलीट्स मुंबई में उनके आवास एंटीलिया पर पहुंचे। इस मौके पर एथलीट्स के अलावा कोच और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। इस आयोजन को यूनाइटेड इन ट्रायम्फ का नाम दिया गया। इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि आज की शाम बहुत खास है, सभी ओलंपियन और पैरालंपियन एक मंच पर हैं, हम सभी को इन खिलाड़ियों पर गर्व है। पहली बार भारत के सभी ओलंपियंस और पैरालंपियंस एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ देम ऑल इंडियंस, we are proud of each and every one of them, and today we are going to honor them and show them the respect and the love that we have for them. On behalf of Reliance Foundation, we would like and we would wish that United in Triumph can become a movement for unity and inclusiveness in sport and in life. और बस इसीलिए आज celebration है, जहां we are going to show that all of them are coming together and coming united together. And thank you so much, आप सबको धन्यवाद आज आने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।